हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेटू जेट किचन। आज हम बनाने वाले हैं नवाबी सेवई की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसे देख लेते हैं कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम सेवई। तो फ्रेंड्स, ये जो मोस्टली हम सेव खोरमा वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, ये वही सेवई है, बिल्कुल बारीक वाली। इसे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से तोड़ लेना है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है कढ़ाई और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। इसे हम मेल्ट कर लेंगे। घी हमारा जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर लेंगे सेवियाँ को और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हमने भून लेना है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमने इसमें ऐड कर लेना है 4 चम्मच पीसी हुई चीनी और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, बहुत ही अच्छी तरह से इसे हमने जो है मिक्स करते हुए इसको भून लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मिल्क पाउडर और शुगर था वो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। इसे भुनने में हमें 3 से 4 मिनट लगा है। इसे हम फटाफट से जो है आधी सेवियाँ को सेट कर देंगे किसी भी खुले हुए बर्तन में, इस टाइप का जो एयर टाइट करके हम रख सकें। तो बस हमने आधी सेवियाँ को ही ऐड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है 150 ml के करीब दूध और दूध में मैं ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसे हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इस तरह से एकदम पतला सा घोल बना लेना है। इसके बाद हमने वापस से ले लिया कढ़ाई को और कढ़ाई में 1 लीटर दूध ऐड कर लिया है और दूध को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर दूध पहले से गर्म है तो आप मलाई हटाकर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दूध हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा, हम उसमें जो है मिक्सचर को धीरे धीरे डालते हुए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक साथ नहीं डालें, इसे थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें और ये 1 से 2 मिनट के अंदर जो हमारा मिक्सचर है सेवियाँ का वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना क्रीमी और कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ केसर के धागे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे चीनी। तो चीनी मैंने इसमें 5 चम्मच यूज़ किया है। आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर लें और उसे भी एक मिनट के करीब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। बस हमारा जो घोल है फ्रेंड्स, वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना क्रीमी और कितना यमी दिख रहा है। और हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमने जो सेट करके रखा हुआ था सेवियाँ, उसके ऊपर इसे जो मिक्सचर को हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, सारे मिक्सचर को नहीं डालना है, हमने आधी मिक्सचर को ही डालना है और इसके ऊपर से हम खोया ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर से वापस से हम इसमें ऐड कर देंगे सेवियाँ और उसे इस तरह से प्रेश करते हुए जो है सेट कर देंगे। फिर इसके ऊपर से हम ऐड कर देंगे जो घोल रेडी किया था, यानी हमारा मिक्सचर जो रेडी हुआ था, और इसके ऊपर से हम बिल्कुल हल्का सा जो है सेवियाँ को ऐड करते हुए इसे डेकोरेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके ऊपर से हम खोया ऐड कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और बादाम लिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या फिर आपको जो भी पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और इसे कवर करके हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटा हो गया है और हमारा क्रीमी और बिल्कुल चिल्ड जो डिज़र्ट है वो बन के एकदम रेडी है। फ्रेंड्स, आप इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स, ये आपके मेहमानों को बहुत पसंद आने वाला है। ये एक बार खाएंगे तो ये आपके जो है बहुत ही फैन बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।